हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलो आज जो हम कर रहे थे पिछला पार्ट थ्री का हमने आगे कंटिन्यू करना है। पहले तो इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया था, उस केस में हुक्स लॉ लगता है। हुक्स लॉ के टेंशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, लैम्डा ऊपर होती है एक्सटेंशन, जितनी लेंथ बड़ी, एक्सटेंशन नॉट एक्सटेंडेड लेंथ नहीं, एक्सटेंशन। जैसे मान लीजिए पहले 3 मीटर थी, वो खींच के 5 मीटर हो गई, तो एक्सटेंशन कितनी हुई हमारी जो बड़ी हुई है, 5 माइनस 3 2 ओवर, ये है हमारी नेचुरल लेंथ। ठीक है जी, ऊपर एक्सटेंशन नीचे नेचुरल लेंथ, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है जी, अब दो इसके आर्टिकल्स हैं, उसका रिजल्ट ही याद रखने हैं। अगर स्ट्रिंग ऐसे हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, उसको इधर खींचे, एक तरफ से खींचे, ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है, ये स्ट्रिंग है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ऑफ मास एम, मैं इसको इधर खींचा और छोड़ दिया, तो जो प्रोड्यूस होंगी ऑसिलेशंस, दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होंगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो। उस केस में टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये, आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, टी इज इक्वल टू 2πm मास गिवन होगा, एल नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा, नीचे लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें आंसर आ जाएगा। जब भी पार्टिकल, जब भी स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पे है, तो टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला है। एंड वेलोसिटी, क्योंकि टी क्या होता है, 2π/√μ होता है, याद है, तो इससे क्लियरली पता चलता है म्यू की वैल्यू, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी λ/ml। ठीक है जी, तो वेलोसिटी निकालने का हमें याद है, आपको वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला करवाया था मैंने, μa²-x², अगर म्यू की मैं वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दूँ, तो ये हमारा वेलोसिटी का, ये रेयर पूछेगा आपको, वो जरूर पता हो जो मैंने पहले कहा है कि टाइम पीरियड, अगर हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग तब भी टाइम पीरियड का वो फॉर्मूला, अगर वर्टिकल है, वर्टिकल में भी टाइम पीरियड का वही सेम फॉर्मूला है। वर्टिकल मतलब अगर हैंगिंग मोड है में है इलास्टिक स्ट्रिंग, तो उस केस में भी टेंशन निकालने का यही फॉर्मूला है, सेम वेलोसिटी निकालने का भी यही फॉर्मूला है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गया बेटा, इजी है। अच्छा एक लास्ट, अगर ठीक है जी, से अगर ये एक दो स्ट्रिंग हो, पहले का लेंथ L1 है, ये एंट्रेंस में पूछ सकता है, पहले की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है, एक मास M से अटैच है, इसकी टेंशन, क्योंकि इसके साथ अटैच है T है, इसकी टेंशन T है। ठीक है जी, तो अगर इसको खींचा, इधर वाले को खींचा, मान लो ये खींच के ये बन गया A लेंथ यूनिट का, इधर वाले को खींचा, ये L2 इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये बन गया B, तो इस केस में टेंशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर इसको हॉरिजॉन्टली खींचे, ऐसे हॉरिजॉन्टली खींचे, इधर से खींचे, इधर से खींचे, हॉरिजॉन्टली खींचे, अगर मास को इधर से, इधर को मैं इधर एक तरफ से खींचूं, छोड़ दूं, तो ऑसिलेशन होगी ना, यहाँ से खींचूंगा, छोड़ूंगा, तो उस केस में टेंशन निकालने का, टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का, नॉट टेंशन, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2π²√mA ते बी क्या है हमारी, जो एक्सटेंडेड लेंथ है, ओवर टी टेंशन है, प्लस लैम्डा, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है a+b। ठीक है जी, अगर ये मोशन, इसको यहाँ इधर की जगह इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, तो ऑसिलेशन होगी, अगर इसको मैं वर्टिकली डिस्प्लेस करूँ ऐसे, इधर को ये लिखा है मैंने हॉरिजॉन्टली, अगर इसको इस तरफ डिस्प्लेस करूँ, तो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी, उसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, क्लियर है, अगर मैं इसको वर्टिकली ऐसे डिस्प्लेस करूँ, तो इस केस में टाइम पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, उसमें लैम्डा आता है, इसमें लैम्डा नहीं आएगा, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्टली याद रखना है, अगर कंपटीशन गाइड पॉइंट ऑफ व्यू IIT JEE में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी लेवल के आएंगे। क्लियर है जी, चले आगे। चलो आ गया हमारा लास्ट टॉपिक, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट आ गया, कर्व लीनियर मोशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। पहले तो इसमें पहले नंबर पे ये याद रखना है, वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है कि अलोंग एक्स एक्सिस dx/dt क्या था, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एज इट इज एक्सेलेरेशन निकालने का फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है जी, ये सिंपल है फॉर्मूला, ये 10th लेवल में था, अभी एक नया है। अगर पार्टिकल मान लीजिए ऐसे ट्रेवल कर रहा है, एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, कि अलोंग दी टेंजेंट एक्सेलेरेशन कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी का, एक बार डेरिवेटिव कर देना है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ये सीधा फॉर्मूला पूछता है।
एक होता है नॉर्मल एक्सेलेशन, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल एक्सेलेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर वी वेलोसिटी गिवन होगी रो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसमें देख लेना है। देखो एक्सेलेशन इससे भी निकाल सकते हैं, एक तो एक्सेलेशन है लॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक है लॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलेशन है लॉन्ग नॉर्मल एक्सेलेशन का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। एंड वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पहले ही बताया हुआ है डी एस बाई डी टी। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, एक होता है लीनियर वेलोसिटी। जैसे अगर पार्टिकल सर्कल में मूव हो रहा हो ये तो है टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट जो लगती है वेलोसिटी। एक होती है क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया कुछ एंगल मूव हुआ, तो जो एंगल मूव होगा अगर उसका मैं रेट ऑफ चेंज निकाल लूँ दैट गिव्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा से लिखते हैं, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी होती है डी एस बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है जी। एज इट इज एंगुलर एक्सेलेशन, जैसे एक्सेलेशन क्या थी डी वी बाई डी टी, अगर एंगुलर एक्सेलेशन अल्फा से लिखेंगे वो ओमेगा का एक बार वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव, दैट इज एंगुलर एक्सेलेशन। क्लियर है जी, यही मैंने लिखा है। एंड अगर पूछ ले रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वी से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है विद रेडियस आर, तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है जी। एक और फार्मूला होता है ओमेगा एंड आर के बीच में रिलेशन, ये है मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ये तो होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है जी। मान लीजिए ये इसका रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर है, इसका अगर मैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी में परपेंडिकुलर खींचूँ ये पी है, तो एंगुलर वेलोसिटी इसके भी इक्वल होती है पी वी अपॉन आर के। दो फार्मूले हैं, एक तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है डी थीटा बाई डी टी, एक वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तीसरा ओमेगा निकालने का एक और फार्मूला है पी वी अपॉन आर स्केयर। वी लीनियर वेलोसिटी, वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन टू द टेंजेंट वेक्टर, एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन। क्लियर है जी। नेक्स्ट आती है हमारी रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रेडियल एंड ट्रांसवर्स मतलब, ठीक है जी, जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ये ओरिजन है, ये होता है हमारा अगर पोलर फॉर्म में लिखें ये आ रहा है। एक तो होता है रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी मींस अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है जी। एक होती है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, दैट इज अलोंग थीटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक है जी। रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला है डी आर बाई डी टी, आर का एक बार डेरिवेटिव कर दो दैट गिव्स रेडियल वेलोसिटी। इसको जब भी टाइम से डेरिवेटिव होता ना किसी चीज़ का तो हम उसको डॉट डालते हैं, अगर इसका डबल डेरिवेटिव होता टाइम से तो आर डबल डॉट आता। ऐसे ही ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला है आर डी थीटा बाई डी टी, आर थीटा बाई डी टी मतलब थीटा डॉट, ठीक है। ये अगर नेट वेलोसिटी निकालनी हो रेडियल का स्केयर प्लस है ट्रांसवर्स का स्केयर का स्केयर रूट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम पे, ठीक है जी। ये होगी रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जी। सीधा पूछ लेता है कि रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट आता है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। क्लियर है, देखिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन का ये फार्मूला, डबल डेरिवेटिव आर का टी से माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्केयर, या इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव आर से आर डबल डॉट माइनस आर ये डी थीटा डॉट का स्केयर, ये भी कह सकते हैं। ये आया रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। ये आपको याद रखना है जी, इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं। अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो ये फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाएंगे। अगर पार्टिकल कहीं कोई भी शेप पे है तो ये है, अगर सर्कल में है तो रेडियल वेलोसिटी का ये फार्मूला है, एक्सेलेरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ये फार्मूला, ये दोनों याद रखने, ये चारों ही याद रखने हैं। मींस आपने पहले तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता हो, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एज इट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन एज इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एंड नॉर्मल कंपोनेंट, ये छह फार्मूले आपको अच्छी तरह से आते हो। क्लियर है जी। चलें अब इसका है लास्ट टॉपिक, उससे पहले अगर आपको लेक्चर पसंद और मेनी मेहनत ठीक लगी हो तो लाइक करो जी चैनल को, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड शेयर करो यार मैक्सिमम जितना हो सकते हैं, तभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है जी। चलें आगे, चलो।
लास्ट टॉपिक है इसका प्रोजेक्टाइल। ये मैं अभी करवाऊंगा नहीं, ये मैंने सारे करवाए हुए हैं, आपका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है डायनामिक्स पे, उस पे आपने करना है। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या था मैं बता देता हूँ। जब भी कोई पार्टिकल को विद सम एंगल विद एक्स एक्सिस से फेंकें, जो ये पाथ बनता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, दिस इज़ ऑलवेज पैराबोला। इस केस में वेलोसिटी एट एनी टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, ये फार्मूला मैंने ड्राइव करके दिखाया था, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का ये फार्मूला था, एंड अगर इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं एट एनी पॉइंट पे, एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ये भी आपको कहा था मैंने याद रखना है। अलोंग अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूं अलोंग वाई कंपोनेंट, ये होता है। अगर यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए मोशन, दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये मैंने वहाँ पे बताई थी, वो वीडियो देखिए आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूले से लिख रहा हूँ। इस पैराबोला का अगर वर्टेक्स भी मैंने निकाल के दिखाया था, ये वर्टेक्स आया था, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है उस, क्योंकि ये पैराबोला इसका कुछ लेटेस्ट रेक्टम भी होगा, ये फार्मूला लेटेस्ट रेक्टम का अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि पैराबोला तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की भी होगी, उसकी हाइट का निकालने का ये फार्मूला, ये ज़्यादा नहीं पूछता, ये जरूर याद रखना है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, वाई कितना है, एक्स कंपोनेंट कितना होता है, वाई कंपोनेंट कितना होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस निकालना, क्योंकि ये वो है तो इसका कोई ना कोई फोकस भी होगा, क्योंकि ये पैराबोला इसका कुछ ना कुछ फोकस भी होगा। अब ये फोकस, क्योंकि पैराबोला ये ऐसा बना हुआ है, देखें अगर आपने ऐसा पैराबोला है ऐसा, अब इसका पैराबोला का फोकस ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अल्फ़ा पे। अगर अल्फ़ा इसके बीच में है कि 90 डिग्री 45 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो ये अबव होगा, यहाँ पे होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो एग्जैक्ट यहाँ होगा, अगर ये 45 से छोटा है तो नीचे होगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है जी। अगर 45 डिग्री है तो फोकस इस पैराबोला का फोकस पक्का एक्स एक्सिस पे होगा, अगर 45 से बड़ा है तो ऊपर होगा, अगर 45 से छोटा है नीचे होगा, ये याद रखना है, तो ये रख सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आर्टिकल आपको पूरा कराया था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितनी देर हवा भी में रहा, ये फार्मूला है जी, ये याद रखना है। एंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इस हाइट पे पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, इसका आधा, ये मैंने प्रूव करवाया था, ठीक है जी। एक होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ से फेंका यहाँ तक गया, ये कितना उसने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज़ अवर रेंज, रेंज निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। एक रेंज पता हो, एक ये पता हो टाइम ऑफ लाइट पता हो, यहाँ से यहाँ तक इसका आधा होता है, एक ये हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ग्रेटेस्ट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला, इतनी हाइट होगी। एंड ये भी मैंने निकाला था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर कब जाके गिरेगा, जब आर की वह जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको फेंका होगा वो 45 डिग्री होगा। फिर ये भी मैंने उस आर्टिकल में ही कराया था कि आर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी अगर उसको मैं चाहे अल्फ़ा से फेंकूँ, चाहे 30 डिग्री से फेंकूँ, या 90-30 60 डिग्री से फेंकूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम हाई यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक था टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका आधा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, ये होगा टाइम, होगा टाइम फ्लाइट का आधा, ठीक है जी। फिर वेलोसिटी, यहाँ कोई भी टाइम पे वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ से ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखो इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर का स्केयर रूट, ये भी मैंने निकाल ली थी, इसकी वेलोसिटी ये आएगी, और उसका एक्स एक्सिस के एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है। ये अगर आपने पूछना है करना है तो कर सकते हैं, आई होप ये अगर आप कर लो ना, इतना टॉपिक आप कर लो तो आपको डायनामिक्स में किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।